में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर अब राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है। कोरोना रोकथाम को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना की भयावहता फिर सामने आ रही है। सक्षम चाहते हैं कोरोना ना हो और निर्धन चाहते हैं लॉकडाउन ना हो। सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है। वहीं ममता बनर्जी पर चुटकी लेते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना गोत्र चुनाव के समय याद आ रहा है। जब घुसपैठी और आतंकवादी आ रहे थे तब गोत्र याद नहीं आया। जनता सब जानती है। दमोह के रण में पीसीसी चीफ कमलनाथ के अलावा कोई भी सीनियर नेता के नहीं जाने पर भी चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ का पद मोह नहीं जा रहा, इसलिए कांग्रेस खत्म हो रही है। कोरोना की भयावहता पुनः आ रही है। कई लोग जो संपर्क में आते हैं, संपन्न भी रहते हैं, निर्धन भी रहते हैं, जो संपन्न की इच्छा है कि उन्हें कोरोना न हो, पर गरीब की इच्छा ये है कि लॉकडाउन न हो। दोनों परिस्थितियों में मध्य का मार्ग सरकार खोज रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना दिख रहा है और लॉकडाउन की भी हमने स्थितियां देखी हैं, तो मध्य मार्ग के लिए सरकार आज मुख्यमंत्री जी सभी जिला कलेक्टरों से बात करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें चुनाव पर गोत्र याद आते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। 10 साल में याद नहीं आया गोत्र, जब घुसपैठिए आ रहे थे, जब आतंकवादी आ रहे थे, तब गोत्र की चिंता नहीं हुई। तब तो दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लग गया था, तब तो सड़क पर नमाज हो गई थी। अब क्यों? वो दीदी लोग सब जानते हैं, उनका जो पदमोह है ना, उस पदमोह में पूरी कांग्रेस को ही दांव पे लगा दिया। वरिष्ठ नेता सीन से गायब हैं, पर कमलनाथ जी ऐसा नहीं सोचेंगे। उनके लिए गॉड से भक्त की प्राथमिकता है, मुकेश नायक प्राथमिकता पे नहीं। उनके अपने फंडे हैं, अपने एजेंडे हैं, और मैं समझता हूं कि ये दो बुजुर्ग जो है ना, कांग्रेस को असल में ही ले जाके छोड़ेंगे।